नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन रहेगा वो है गर्भावस्था में सूजन के लिए योग क्रियाएं, वो कैसे होती हैं और उनका निवारण या उनको कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अपना सेशन चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ये जो योग क्रियाएं हैं वो सभी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में इसलिए बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी में अपने को कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है कि अपन चाय जैसे नहीं कर सकते, तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। बाकी आप सभी नॉर्मल जो भी हैं वो भी ये कर सकते हैं। किसी की प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, ब्लड सर्कुलेशन की या स्वेलिंग की बॉडी में, या उनको रिलीफ, सोने से पहले, बेड पे सोने से पहले आपको रिलीफ चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सोने से पहले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो सबसे पहले, जैसे अपनी बॉडी में स्वेलिंग होती है तो वो किस कारण से होती है? एक तो अपना शरीर होता है वो जैसे जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन ट्राइमेस्टर होते हैं। तीसरा ट्राइमेस्टर होता है अपना सातवां, आठवां, नौवां महीना। इसके अंदर बच्चा होता है वो तेजी से ग्रो कर रहा होता है और उस अपने ऊपर चर्बी ले रहा होता है, और इसके चारों तरफ जो होता है वो फ्लूड बढ़ जाता है। फ्लूड यानी कि जो लिक्विड की मात्रा या ब्लड सर्कुलेशन भी चलता रहता है, तो इसकी मात्रा बढ़ने के कारण अपने शरीर में मोटापा आ जाता है। दूसरा स्वेलिंग टाइप से आ जाती है। किसी किसी के ये चीज़ें होती हैं वो हार्मोन्स की वजह से होती हैं, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जिस दिन से प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसी दिन से ये चलती रहती हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक है, इसको डॉक्टर्स भी कम नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं है इसका। जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी उसी दिन ये आपकी बॉडी से स्वेलिंग धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि मैंने ऐसे खुद ने अपनी आंखों से देखे हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पहले दिन से लेके शुरू लास्ट डे तक स्वेलिंग रहेगी, जिसके लिए डॉक्टर्स कोई इलाज नहीं बता सकते उसको। बस उसको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उनको, क्योंकि स्वेलिंग रहेगी, मोटापा रहेगा, तो जाहिर सी बात है गर्मी बॉडी में आएगी। तो पानी की मात्रा कम पीते हैं, उसमें उनमें भी स्वेलिंग होती है, तो पानी की मात्रा को, लेवल को अच्छा बढ़ाएं। आप कोकोनट वाटर होता है वो ले सकते हैं, यानी कि नारियल पानी। इसके अलावा आपकी अगर एसिडिटी नहीं बनती है तो आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। नॉर्मल पानी है उसकी भी मात्रा को आपको बढ़ाना है। कुछ लोग तो ऐसे रहते बार बार की वॉशरूम जाना पड़ेगा इसलिए कौन पिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वाटर लेवल आपका जितना अच्छा होगा बच्चा उतने अच्छे से रोटेट करेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ लिक्विड रहेगा, वाटर रहेगा, तो उसको रोटेशन के लिए जगह मिल जाएगी। अदरवाइज जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको रोटेशन रुक जाता है और वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। दूसरा, आपका बॉडी का जो सोडियम लेवल होता है, नमक की मात्रा अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसको आप थोड़ा कम करें। नॉर्मल नमक यूज में लेते हैं तो उसकी जगह आप सेंधा नमक यूज में लें। तीसरा, अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है उसके कारण भी होता है। चौथा, इसके लिए उपाय क्या करने? कुछ उपाय तो हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करके करने, जो कमियां हैं जो मैंने बताई है, जैसे पानी ज़्यादा पीना है और कैफेन, कैफेन मतलब जो अपना चाय कॉफ़ी से हमें मिलता है उसका सेवन, चाय अगर आप 3 या 4 बार या बहुत बार पीते हैं तो उसकी जगह आप 2 बार कर दीजिए, वो भी 1 कप भरा हुआ या उससे ज़्यादा लेते हैं तो उसका हाफ या 3/4, ऐसे करते करते आप 2 टाइम हाफ हाफ कप ले लीजिए। आपको अपनी दिनचर्या के अंदर कम से कम 30 मिनट की योगा या एक्सरसाइज अपनानी है, यानी कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो योगा या एक्सरसाइज है, वॉक है नॉर्मल, अगर वो नहीं कर पाए तो आप वॉक कर सकते हैं, वो आपको अपनी दिनचर्या में लानी है। इससे क्या होता है कि आपके शरीर का मोमेंट होता रहता है। आप बोलते हैं मैं काम बहुत करते हूँ, घरेलू काम रहता है मेरे, तो घरेलू घर का काम वो रहता है, वो अपने डेली रूटीन में हमेशा से चला आ रहा है, वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं आता है। एक्स्ट्रा आपको अपने शरीर के लिए स्पेशली टाइम देना है, हर आपको बॉडी पार्ट्स के लिए, जिसके लिए वो जो सिर्फ आपके योग क्रिया या वॉक या फिर एक्सरसाइज वो ही होती है, वो 30 मिनट का आपको करना है। यदि शरीर के अंदर गर्मी है तो आपको शीतली या शीतकारी प्राणायाम जरूर करना है, और वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अभी तो गर्मी का सीजन है और नॉर्मली भी बॉडी के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेगनेंसी होती है तो उसमें गर्मी लगती है,
गर्मी लगती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, और क्रोध क्रोध भी रहता है, गुस्सा रहता है। तो ये दोनों प्राणायाम और भी करने, अनुलोम विलोम भी करना, लेकिन ये दो प्राणायाम तो आपको करने हैं बॉडी की ठंडक के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे ही अपने शरीर में स्वेलिंग आती है तो शरीर में झुनझुनी सी मच जाती है और बॉडी का भारीपन हो जाता है और पैर को नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जैसे एक्यूप्रेशन करते हैं अपने अपने शरीर में, उसी तरीके से आपको इस तरीके से पैरों को दबाना है, एक्यूप्रेशर करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको तुरंत ही जैसे आपके स्वेलिंग आ गई तो आपको इस तरीके से आपको पंचिंग करनी है उसकी। फिर उसके बाद में आप इस तरीके से पिल्लों के ऊपर पैर रखना है और इसको सांस भरते हुए आपको आगे की तरफ करना है, सांस छोड़ते हुए अपने पीछे की तरफ अपनी तरफ लाना है। सांस भरते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, और अंगुलियों को यूं करते रहना है, जिससे आपके अंगुलियों को क्या होती है, एक्सरसाइज होती है इस तरीके से। पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना है आपको, जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे आपको 10 से 15 बार तक करना है। तीसरे योगासन में आपको इस तरीके से लेटना है। लेटने के बाद में ये पैर ऊपर रखने हैं और पैरों को धीरे 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 हिलाना है, इस तरीके से आगे पीछे करते रहना। ये पैर ऊपर नीचे जिस तरीके के मैंने आसन या योग क्रियाएं बताई हैं वो कोई भी कर सकता है। किसी की शरीर में प्रॉब्लम होती है तो वो कोई भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी की बात नहीं। प्रेगनेंसी में तो क्या है, स्वाभाविक से ये चीज कर सकते हैं, इसलिए सिलेक्ट किए हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट तक आराम से ऐसे हाथों को फैला के सोना चाहें तो आप 5 से 10 मिनट तक आराम से सोएं, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। इसमें आपकी कमर को भी बहुत रिलीफ मिलेगा। अगला अपना आसन है वो है समासन मुद्रा। समासन मुद्रा से भी बॉडी को बहुत रिलीफ मिलता है। समासन मुद्रा कैसे करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में लेटना है। लेफ्ट साइड में इस तरीके से लेटें, जो मैंने कई वीडियोस में भी बताई है। एक पैरों को यूं करें, एक पैर को आपको आगे निकाल के इस तरीके से पिल्लों के ऊपर रखना है ताकि लेवल बने और आपको प्रॉब्लम नहीं हो। हाथ को यूं करें और इस तरीके से सोए। प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड में सोने से बच्चे को ऑक्सीजन पूरी मिलती है, पोषक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से मिलते हैं और आपको भी सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से आप आराम से लेटें, या 5 से 10 मिनट तक आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम, इसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट करके आप सोएं ताकि टेम्परेचर एकदम से लेवल में रहे, किसी प्रकार की गर्मी या मतलब बीपी हाई इस तरीके की कोई समस्या ना हो। आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सेशन में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।